हाय फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडर्न इंडिया चैप्टर 2। हमने पहला चैप्टर भारत में यूरोपिया का आगमन पढ़ चुका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिया। चैप्टर 2 उत्तर मुगल काल। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। देखो, भारत में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहा। उसके बाद 1506 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। भीभीआई किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर का विजय हुआ और वहीं से भारत में मुगल काल का शुरुआत हुआ। तो आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुगल काल का शुरुआत किस ईस्वी से हुआ और इसकी नींव किसने रखा? तो बाबर ने इसका नींव रखा, और कब हुआ? 1526 ईस्वी से। तो चलो, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां, शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब, जिसका एक और नाम था आलमगीर। चलो, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई। इसके मृत्यु के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य निर्बल होता गया और शीघ्र ही इसका पतन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल को दो भाग में तोड़ा गया है, एक मुगल काल, एक उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल काल। तो हम लोग अभी पोस्ट मुगल काल, ठीक है, उत्तर मुगल काल देख रहे हैं, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद का मुगल काल। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि एसएससी और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैं यहीं पर बता दूंगा, ठीक है। चलो, पतन के कारण, दुर्बल एवं अयोग्य शासक। तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य थे, दुर्बल थे। विदेशी आक्रमण, भीभीआई, विदेशी आक्रमण बहुत सारे हो रहे थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे छीन होता गया। मराठा शक्ति का उदय, धार्मिक एवं आर्थिक कारण। औरंगजेब के कारण पूरा देश में धार्मिक और आर्थिक रूप से लोग काफ़ी त्राही त्राही हो गए थे। यूरोपिया का आगमन, बहादुर सावन। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। तो औरंगजेब के तीन पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद इन लोग आपस में उत्तराधिकारी के लिए लड़े, तो अपनी टोटल संपत्ति और अपने, ठीक है, जितने भी राज्य थे उनमें लगभग औरंगजेब ने तीनों के बीच बंटवारा कर दिया। लेकिन ये तीनों आपस में काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, इसलिए ये तीनों बेटे आपस में उलझ गए और लड़ने लगे, और इनके बीच दो युद्ध हुआ। एक जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में, जिसमें मुअज्जम की जीत हुई, और दूसरा बीजापुर का युद्ध मुअज्जम और कामबख्श के बीच में, जिसमें मुअज्जम का जीत हुआ। तो इस तरह मुअज्जम ने अपने दोनों भाई आजम और कामबख्श की हत्या कर गद्दी पर बैठा, और इस तरह से स्टार्ट होता है बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन मुअज्जम का ही नाम था, बहादुर शाह वन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा बादशाह हुए। तो बहादुर शाह वन 1707 ईस्वी से 1712, फिर जहादार शाह 12 से 13, फरुख सियर 13 से 19, रफ़ी उद्दरजात फरवरी 1719 से जून 1719, रफ़ी उद्दौला जून 1719 से सितंबर 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर 1754 से 1759, अकबर शाह आलम टू 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह टू, या इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, 1837 से 1857। तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बैकग्राउंड बताया था कि औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम, वो अपने दोनों भाई, ठीक है, आजम और कामबख्श की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा। तो हम लोग आते हैं बहादुर शाह वन, इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, इसको उपाधि मिला था शाह आलम प्रथम, और एक और उपाधि मिला था शाह ए बेखबर।
चलो तो यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि बहादुर शाह वन का वास्तविक नाम मुअज्जम था और उपाधि था शाह ए बेखबर, ये इम्पॉर्टेंट है। शासक बनने के समय ये 63 साल के थे। ये औरंगजेब के बाद अंतिम योग बादशाह हुए, लेकिन अत्यधिक आयु के कारण इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। देखिए तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सा मुगल बादशाह थे जो सबसे वृद्ध थे, सबसे अधिक आयु के समय गद्दी पर बैठे थे, तो उनका नाम था बहादुर शाह वन। मुगल और सिख संबंध, देखिए औरंगजेब के समय ठीक है मुगल और सिख संबंध काफ़ी बिगड़ गया था, तो बहादुर शाह वन ने सिखों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। उसने सिखों के अंतिम गुरु और दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली। इसी बीच 1708 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक जगह पर गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की, तो गुलखा नामक पठान। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई, 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह हत्या कहाँ हुई, तो नांदेड़ नामक जगह जो आंध्र प्रदेश में है। चलो तो एक बतौर बता दो, गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु थे, इसके बाद गुरुपद समाप्त हो गया। उनकी हत्या के बाद सिखों का नेतृत्व, सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर ने किया। ठीक है, तो दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद सिख में गुरु पद्धति खत्म हो गया, उसके बाद नेता स्टार्ट हुआ, तो प्रथम राजनीतिक नेता जो था वो बंदा बहादुर था, जिसका नाम था बंदा बैरागी, ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ये मुगल सिंहासन पर बैठने वाले सबसे वृद्ध मुगल शासक थे। तो बहादुर शाह वन में जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहादुर शाह वन में बस इम्पोर्टेंट ये है कि इनका वास्तविक नाम मुअज्जम था, उपाधि था शाह बेखबर का, और इनके समय 1708 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नादेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। चलो उनका पुत्र हुआ जहांदार शाह। अन्य नाम लंपट मूर्ख, VVI। जहांदार शाह का अन्य नाम क्या था, लंपट मूर्ख। लाल कुंवर, ये एक नर्तकी थी जिसके साथ जहांदार शाह का प्रेम संबंध था। 1713 ईस्वी में फरुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। फरुखसियर जहांदार शाह का भतीजा था। देखो जहांदार शाह भी अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो उसका जो भतीजा था अपने पिता का बदला लेने के लिए जहांदार शाह का हत्या कर दिया और गद्दी पर फरुखसियर बैठ गया। तो बस जहांदार शाह में आपको इम्पोर्टेंट यह है कि इसका नाम क्या था, उपनाम क्या था, तो लंपट मूर्ख। फरुखसियर, इसकी उपाधि थी घृणित कार्य। देखो इसको एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, ठीक है, और ये क्या करता था, जब भी सभा में बैठता था तो फोड़ा को सहलाता था, इसलिए इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इसने अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या की और सत्ता को प्राप्त किया। इसे सत्ता दिलाने में सैयद बंधुओं का काफ़ी बड़ा योगदान था। तो अब हम लोग देख लेते हैं सैयद बंधु कौन थे। सैयद बंधु इतिहास में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहते हैं। इनका इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों को किंग मेकर भी कहते हैं, निर्प निर्माता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किन्हें किंग मेकर कहते हैं, निर्प निर्माता किन्हें कहते हैं, तो सैयद बंधु को, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन्होंने 4 मुगल बादशाहों को सत्ता दिलवाई, फरुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात और मोहम्मद शाह। चलो इनके समय सिख विद्रोह हुआ। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने संघर्ष के दौरान सिंध के सूबेदार वजीर खां की हत्या कर दी। ये भी क्वेश्चन पूछा है स्टेट PCS में कि बंदा बहादुर ने किसकी हत्या की थी, तो सिंध के सूबेदार वजीर खां की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर फरुखसियर ने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की दिल्ली में सिर कटवाकर हत्या कर दी। एक और क्वेश्चन, बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, कब करवाई थी, तो 1716 ईस्वी में फरुखसियर ने करवाया था। जिस स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, उस स्थान पर वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा है। यदि आप जाओगे दिल्ली में तो आपको, ठीक है, आप अगर चांदनी चौक के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको शीशगंज गुरुद्वारा दिखेगा, मैं देखा हूँ। चलो दस्तक,
1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने की शाही फरमान जारी किया, क्योंकि अंग्रेजों ने फर्रुखसियर के लाइलाज फोड़े का इलाज किया था। इसी शाही फरमान को दस्तक कहा जाता है। देखो, यहीं से अंग्रेज का भारत में पैट स्टार्ट होता है। फर्रुखसियर का एक फोड़ा हो गया था जिसको कोई इलाज नहीं कर पाया था, तो अंग्रेज क्या किया, इसका इलाज किया। इससे खुश होकर फर्रुखसियर क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया कि तुम भारत, ठीक है, भारत के बंगाल, उड़ीसा और बिहार में निःशुल्क, मतलब बिना टैक्स दे हुए व्यापार करो। तो इसी को दस्तक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 1717 का दस्तक किसके द्वारा, ठीक है, दिया गया था, तो नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के खिलाफ षड्यंत्र। फर्रुखसियर ने के बढ़ते शक्ति के कारण सैयद बंधु ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। चलो, उसके बाद है मोहम्मद शाह, वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उपाधि नीला रंगीला बादशाह, VVI, मोहम्मद शाह को उपाधि मिला था रंगीला बादशाह का, तो ये बहुत बार पूछा है, मोहम्मद शाह को उपाधि मिला था रंगीला बादशाह। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, तो ईस्वी आप याद रखना 1729। भारत में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, सत्रह सौ उनचालीस भारत पर नादिर शाह का आक्रमण जब 1739 ईस्वी को हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो मोहम्मद शाह। तो अभी तक मैं आपको दो क्वेश्चन बताया हूँ जो पूछा है। पहला ये कि मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। दूसरा क्वेश्चन ये, मोहम्मद शाह का उपाधि क्या मिला था, रंगीला बादशाह। और जिस समय भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी को हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह फारस का राजा था, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। उसने भारत में अत्यधिक धन होने की खबर सुन रखी थी, इससे आकर्षित होकर उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। जब ये भारत से गया तो अपने साथ शाहजहां के द्वारा बनाई गई तख्त एताउस या मयूर सिंहासन को भी अपने साथ फारस ले गया। इसी मयूर सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ, शाहजहाँ क्या करवाया था कि अपना जो सिंहासन था उस पर कोहिनूर हीरा लगवाया था, और इसका नाम दिया था मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अभी तक रंगीला से रिलेटेड मैंने आपको चार क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन ये कि किस बादशाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा, मोहम्मद शाह का उपाधि क्या मिला था, तो रंगीला बादशाह। तीसरा, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, तो 1739। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 को हुआ, उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। तो पांच क्वेश्चन याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला से। अहमद शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला का एकमात्र पुत्र था जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का 1748 ईस्वी में इनके समय भारत पर आक्रमण हुआ था। तो अहमद शाह से रिलेटेड मात्र एक क्वेश्चन है कि इनके समय में भारत पर आक्रमण हुआ था अहमद शाह अब्दाली का 1748 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1748 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो अहमद शाह। आलमगीर टू, इससे इंपॉर्टेंट नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो औरंगजेब को, तो बस एक नोट में मैं आपको लिखवाया हूँ कि औरंगजेब को आलमगीर प्रथम कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके समय दो युद्ध लड़ा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में इतिहास में दो युद्ध लड़े गए थे। पहला, पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी, एकदम आपको पूरा पूरा याद रखना है कि पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ और कौन युद्ध में लड़ा, उस समय मुगल बादशाह कौन था। चार क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ जिसमें मराठा की हार हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन थे,
आलम शाह आलम द्वितीय। तो यहां से चार क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई? 1761। पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। चलो एक और हम लोग आते हैं, बक्सर का युद्ध 1764। ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है और यहीं से अंग्रेज भारत में पैठ बना लिए। मतलब आप कह लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में अंग्रेज का सत्ता भारत में इसी युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये युद्ध हुआ था, इसमें एक टीम में अंग्रेज था और दूसरा टीम में तीन बड़ा बड़ा शक्ति थी भारत की। पहला बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था। अब देखो एक टीम एकदम जोरदार, मुगल का मीर कासिम बंगाल का नवाब अपना पूरा सैनिक लेके आ गया, शुजाउद्दौला अवध का नवाब अपना पूरा सैनिक लेके आ गया, शाह आलम टू मुगल शासक पूरा भारत पे जिसका कैप्चर था वो भी अपना सैनिक लेके आ गया। तो इतना बड़ा टीम के साथ एक छोटा सा अंग्रेज ये तीनों को एक बार में हरा दिया। तो आप सोच लो अंग्रेज ये तीनों को एक बार में हरा दिया तो कितना भयंकर कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। इतना भयंकर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम लोग गुलाम हो गए। तो बस बक्सर का युद्ध जो था वो काफी निर्णायक था। इसके बाद भारत पे, ठीक है, और आप कह सकते हो बंगाल पे और भारत पे, मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में अंग्रेज का शासन हो गया। चलो इसका परिणाम देखते हैं, अंग्रेजों का विजय। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई जिसके फलस्वरूप शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मतलब टैक्स अंग्रेज को दे दिया। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों का विजय। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक, किस युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को मिल गया? तो बक्सर का युद्ध। चलो ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है तो आपसे यही पूछता है कि पानीपत का तृतीय लड़ाई और बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना शुरू किया। शाह आलम द्वितीय पहले मुगल बादशाह थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा पेंशन मिला। चलो अकबर द्वितीय, तो इनमें बस इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अब राम मोहन राय राजा राम मोहन राय बन गए क्योंकि राम मोहन राय ने इनकी बंद पेंशन को लौटाने में इनकी मदद की थी। अंतिम मुगल बादशाह बीबीआई, इनका नाम था जफर क्योंकि ये गजल लिखते थे जफर नाम से। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 में हुई क्रांति में बहादुर शाह जफर ने विद्रोही सैनिक का नेतृत्व किया जिसके कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून यानी वर्मा भेज दिया। रंगून में ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो यहाँ ये देखो, तो मुगल सम्राट कहाँ से कहाँ तक चला? 1526 से 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858, आप 1857 की क्रांति तक समझ सकते हो। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के पहले क्या था कि भारत में कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 का इतना भयानक क्रांति के बाद जो विक्टोरिया थी वो एक घोषणा पत्र के द्वारा अब जो सत्ता था जो कंपनी के हाथ था उसको सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट में ट्रांसफ़र कर ली। इसको बोलते हैं कि शासन ब्रिटिश क्राउन को भेज दिया गया जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। चलो तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जफर से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, और जो कंपनी का शासन था वो कब ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। एक बतौर मैं बता दूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।